हेलो गाइस, मैं हूं सीए प्रवेश और आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक जो हमारी एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं थोड़ा सा चर्चा हम इसके बारे में चर्चा डील करेंगे थोड़ा सा और हम इसी के अंदर एक एनपीओ की एक इनकम होती है सब्सक्रिप्शन वी विल डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर इनकम और इसकी अकाउंटिंग और यू कैन से प्रिपरेशन ऑफ लेजर ये सीखेंगे। सर ये क्यों? सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है सर ये क्यों है? शुरुआत आपने शुरुआत ही में बोल दिया सब्सक्रिप्शन क्यों। बहुत सारी चीजें सीखने को है एनपीओ के अंदर तो सब्सक्रिप्शन में है क्या। एक्चुअली सब्सक्रिप्शन में ना हर बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं एक अकाउंट बना देते हैं उसके एक फिक्स फॉर्मेट है डेबिट क्रेडिट बीच में बैंक का है ये वो और उसके बाद आपने एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर उसकी जितनी बनती है साल भर का इनकम जो है वो आपको कैलकुलेट करना सिखाते हैं। उसमें बच्चे हैरान हो जाते हैं कि भैया हमने डेबिट कर दिया क्रेडिट कर दिया बैलेंस ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है और ये आ गया। एवरीबॉडी नोज अबाउट हाउ टू कैलकुलेट बट समस्या क्या है किसी को ये नहीं पता कि इसकी कैलकुलेशंस इसकी जो लेजर जो फॉर्मेट बना वो फॉर्मेट क्यों बना और कैसे बना। तो आइए शुरू करते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो सब्सक्रिप्शन होता क्या है आपने ये बहुत ही सुना होगा चंदा है? चंदा और जिससे अब आप ऐसे कैसे लिखते हो हिंदी में अब मुझे इतना कुछ खास हिंदी में लिखना नहीं आता चंदा है इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन इन इंग्लिश। ये एक सोर्स ऑफ इनकम है दिस इज द सोर्स ऑफ इनकम। ये कोई भी एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पे आपका जो ICAI है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAN इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ नेपाल ठीक है। कोई भी ट्रस्ट गवर्नमेंट स्कूल्स है कोई भी मंदिर है मंदिर के नाम पे ट्रस्ट बनाया हुआ है तो ये सारी जो संस्थाएं हैं दे आर एनपीओस और एनपीओ की एक अच्छी खासी इनकम होती है सब्सक्रिप्शन। एनपीओ की और बहुत सारी इनकम होती है जैसे डोनेशन है और मेंबरशिप फीस ओके ग्रांट्स और एनपीओ जो है वो सेल ऑफ कंज्यूमेबल्स कुछ चीजें वो क्या करता है सेल भी करता है प्रसाद सेल कर दिया है sale of consumables so they are other source of income or one of the major source of income is subscription theek hai subscription kya hai subscription is payment made by likhiye aap payment made by members to npo as एक फीस की तरह एक यू कैन से एज अ इनकम फॉर द पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनपीओ। एनपीओ का मकसद पूरा करने के लिए
जो शुरुआत में जो मेंबर मिलके एक एनपीओ क्रिएट करते, एक मंदिर बनाते, एक ट्रस्ट बनाते हैं, उनका एक लक्ष्य होता है। वो लक्ष्य होता है कि समाज में सोशल एक्टिविटी, सोशल वेलफेयर एक्टिविटी करें, और जितनी भी सोशल वेलफेयर एक्टिविटी है वो खुद के बलबूते पे करें, और दे ऑल्सो वेट फॉर द डोनेशन फ्रॉम सम अदर पीपल। जब तक डोनेशन नहीं आता, क्या वो कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे? करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? जो जितने भी मेंबर्स हैं उस एनपीओ के, सारे लोग कंट्रीब्यूट करेंगे और वो पैसा उठा के फिर वो अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए लगा देंगे। वो ऐसे मेंबर क्या करता है, हर एक मेंबर सालाना या मंथली कुछ ना कुछ अमाउंट की कमिटमेंट दे देते हैं, और वो मंथली एक किस्म से एनपीओ की इनकम हो जाती है। तो सब्सक्रिप्शन इज पेमेंट फ्रॉम द मेंबर्स, ठीक है, और वो उनकी कमिटमेंट होती है कि वो महीने में या साल में इतना देंगे देंगे। तो इन अ वे एनपीओ को ऑलरेडी पता होता है इस महीने या इस साल में कितनी सब्सक्रिप्शन, कितनी चंदा आनी है, ठीक है। सो एनपीओ ऑलरेडी नोज अबाउट इट। तो ये सब्सक्रिप्शन जो है वो एक किस्म से क्या समझ लो आप, दिस डिफरेंट फ्रॉम डोनेशन, ठीक है। डोनेशन क्या, व्यक्ति की विल, इच्छा होती है, उसकी अपनी मर्जी है, वो डोनेशन दे ना दे। हो सकता है कई बार वो बोलता है डोनेशन मिलेगा आपको, मिलेगा, वो ना भी दे तो आप यू कैन नॉट गो एंड क्लेम। बट सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन किसी ने कमिटमेंट कर दिया किसी मेंबर ने, तो उसको मंथली एनुअल बेसिस पे वो पेमेंट करनी है। अगर उसने नहीं किया बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है एनपीओ जो है वो क्या करता है, उसकी कमिटमेंट को एक इनकम की तरह ले लेता है और आउटस्टैंडिंग दिखाता है कि भैया इससे मेरे को पैसा लेना है, बट वो रिकॉग्नाइज कर लेता है एज अ रेवेन्यू, और जितना पैसा उसने लेना है उस मेंबर से उसको वो बोलता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, और रिसीवेबल सब्सक्रिप्शन, ऐसे करके वो रिकॉर्ड करता है। तो इन वे ये समझ लो कि सब्सक्रिप्शन इफ कमिटेड देन इट विल कम टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट विल बी इनकम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो चलो आगे बढ़ते हैं। I hope you understand now what is subscription. अब मैं दो तीन चीजें और आपको बताना चाहूंगा। Ordinarily NPO क्या करता है, अपने cash और bank से सारा transaction कर लेता है। Ordinarily cash में ही होता है, bank में भी होता है, if they want to maintain bank account। ज्यादातर पैसा क्या होता है, लोगों के पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, दे डोंट गो एंड यू नो इशू अ चेक फॉर एज अ डोनेशन, वो क्या देते हैं, कैश दे देते हैं, और इसीलिए बहुत सारा कैश एनपीओ के पास पड़ा होता है। दिस इज जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज। और अब मैं आता हूं सीधा सीधा सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है, ये ऑर्डिनरीली जैसे आप बाकी अकाउंट बनाते हैं ऐसे बनाएंगे। अब जो है सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक किस्म से इनकम अकाउंट समझ लो आप, ठीक है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट इज अ काइंड ऑफ इनकम अकाउंट। तो इसकी जो पॉजिटिव बैलेंस है वो पॉजिटिव बैलेंस दिखेगी आपको क्रेडिट साइड में। तो जब भी पैसा मिलता है एज अ सब्सक्रिप्शन, तो वो क्या करता है, बाय बैंक करके उसके क्रेडिट साइड में जितना पैसा साल भर में मिला, वो साल भर में जितना पैसा मिला वो सारा का सारा पैसा इधर आ जाता है। लेट से टोटल पैसा सब्सक्रिप्शन के नाम पे जो मिला वो मिला 50,000, ओके। तो ये मेरा टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, मैंने क्या कर दिया, मेरी अकाउंटिंग एंट्री बताओ जरा। अकाउंटिंग एंट्री क्या है, अकाउंटिंग एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है, बैंक टू सब्सक्रिप्शन। बट आप ये भूल गए हैं जो पैसा रिसीव हुआ, हो सकता है जो पिछले साल जो पैसा आना था जो नहीं आया, जो आउटस्टैंडिंग था वो इस साल आया हो, ठीक है। पिछले साल जो मैंने इनकम के रूप में दिखा तो दिया, बट साथ ही साथ मैंने बैंक डेबिट नहीं किया, मैंने किया आउटस्टैंडिंग, एक रिसीवेबल डेबिट किया, वो भी तो हो सकता आया हो, ठीक है। तो अगर पिछले साल की आउटस्टैंडिंग इस बार आई है तो मैं क्या करूंगा, उसको लेस कर दूंगा,
ठीक है, लेस करने का तरीका क्या हुआ, मैं क्या करूंगा इसको लेस करने के लिए, अगर कुछ पैसा अगर मेरी इनकम क्रेडिट साइड में होती है उसमें से पिछले साल का भी है तो मैं क्या करूंगा उसको रिड्यूस करूंगा। तो तरीका क्या हुआ, मैं ओपनिंग बैलेंस जो है जो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है उसको यहां से रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा, इसलिए डेबिट साइड में लिखूंगा टू आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब होता है टू रिसीवेबल, ठीक है, मेरी ओपनिंग रिसीवेबल जो पिछले साल की इनकम थी बट मेरे को लेना है तो ये आ गया बट ये मेरी इनकम के रूप में दिख रहा है वो गलत है, मेरे को रिड्यूस करना है तो मैं क्या करूंगा डेबिट कर दूंगा। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो मेरी बीडी है ओपनिंग है, ठीक है, लेट से वो थी 8000 जो पिछले साल की इनकम में है और मेरी एसेट साइड में एट आउटस्टैंडिंग के रूप में दिख रहा है। ओके, अब बात आती है पिछले साल, पिछले साल हो सकता है कि इस साल के लिए जो पैसा आना था जो इनकम आनी थी वो पिछले साल एज एडवांस के रूप में रिसीव हो गया हो। आई मीन टू से थोड़ा सा ध्यान रखना, सपोज अगर ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहा हूं मैं 2017-18 के लिए, ओके, तो अगर पिछले साल दैट मींस 16-17 में 17-18 का कमिटेड जो सब्सक्रिप्शन है जितना मेंबर ने बोला है कि हम 17-18 में इतना देंगे, अगर किसी ने 17-18 की जो इनकम है वो ऑलरेडी पेमेंट कर दी है 16-17 में ही, तो 16-17 साल अपनी उस अमाउंट को कैसे देखेगा, अच्छा अगले साल की इनकम है बट इस साल मेरे लिए क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी, क्योंकि वो एडवांस में अभी रिसीव हो गया। जैसे क्या होता है अगर आपने एडवांस में सैलरी ले ली वो है तो क्या अगले साल की आपकी वो इनकम है या अगले महीने की आपको वो इनकम है, बट अगले महीने की सैलरी अगर आप एडवांस में ले लेते हो तो आप क्या कहते हो, अच्छा मैंने एडवांस सैलरी ले लिया, अगले महीने में काम करके मैंने उसको चुकता करना है। सो यहां भी यही होता है, अगर एडवांस में सब्सक्रिप्शन ले लेता है ऑर्गेनाइजेशन तो ऑर्गेनाइजेशन कहता है अच्छा पैसा आ चुका है बट इसकी जिम्मेदारी अभी बाकी है। अब सपोज इस साल का जो पैसा है, लेट से इस साल का जो पैसा है जो इस इनकम जो है वो इस साल रिसीव हो चुका है, लेट से वो है 7000, ठीक है, 7000 सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हुई है 16-17 में, तो बट ये 7000 इनकम कब की है, 17-18 की, हम अकाउंट कब की बना रहे हैं, 17-18 की, और ये 50000 में क्या ये 7000 दिख रहा होगा, क्या 50000 में ये 7000 भी आ रहा होगा, नहीं सर नहीं, ये तो बैंक रिसीव हुआ 17-18 में, ये रिसीव हुआ था 16-17 में, बट ये इनकम है 17-18 का, ठीक है, तो इसमें कुछ कमी है, कितने की कमी है 7000 की, तो इसके साथ जोड़ना पड़ेगा मेरे को क्रेडिट साइड में दिखाना पड़ेगा, तो जो एडवांस रिसीव हुआ ना पिछले साल वो एडवांस रिसीव पिछले साल की मेरे को क्रेडिट साइड में दिखाना है, इसीलिए मैं करूंगा ये बाई एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये पिछले साल रिसीव हो गई थी इसलिए बैंक में नहीं है बट है तो इस साल की इनकम ना, तो मैंने क्या कर दिया एडवांस सब्सक्रिप्शन को ऐड कर दिया जो बैंक के अंदर नहीं है, ठीक है। अब बात आते हैं, अब हम जाते हैं क्लोजिंग में चलते हैं, 17-18 की क्लोजिंग, 17-18 की क्लोजिंग में कुछ पेमेंट करना है, ठीक है, कुछ पेमेंट करना है मेंबर से लेना है, ऐसे समझ लो मेंबर से कुछ पैसा आउटस्टैंडिंग है अभी भी, दैट मींस मेंबर ने पूरा पैसा नहीं दिया जितना उनका बनता था, ठीक है, तो जो मेंबर से अभी लेना है वो इसमें है का? नहीं होगा क्योंकि वो लेना है, ठीक है, बट जो मेंबर से लेना है क्या वो मेरी इस साल की इनकम हो चुकी है, ऑफ कोर्स तभी तो लेना है, ठीक है, इस साल मैंने उसको इनकम करके रिकॉग्नाइज कर दिया बट मैंने मेंबर से अभी वो रिसीव नहीं किया इसलिए तो लेना बनता है, राइट। सो आउटस्टैंडिंग एट द क्लोजिंग अल्टीमेटली मेरे लिए क्या है, इनकम है,
क्योंकि वो इस साल का इनकम है बट मैंने लिया नहीं है, बट वो बैंक में है नहीं क्योंकि मैंने अभी नहीं लिया, तो मेरे को वो ऐड करना पड़ेगा क्रेडिट साइड में। मैं करूंगा बाई क्लोजिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ऐसे लिखते हैं बाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सीडी, सीडी लिख दो तो क्लोजिंग हो गया ना, कैरेट डाउन सीडी। सपोज ये है 11,000, 50,000 आ चुका है, 50,000 आ चुका है जिसमें से 8,000 पुराना है इसलिए मैंने घटा दिया, और 11,000 आना है मेरी इनकम है बट अभी आई नहीं है तो 50,000 के अंदर है नहीं तो मुझे ऐड करना पड़ा। ठीक है, अब 50,000 बट एक 7,000 की इनकम है जो पिछले साल रिसीव हो चुकी है, बट इनकम तो किस साल की है, इस साल की है, तो ये तीनों चीजें इनकम में जुड़ेंगी क्योंकि ये बैंक के अंदर 8,000 पुराना है इसलिए ये घट गया। और एक चीज है, अगर इस बैंक के अंदर आने वाले साल के लिए एडवांस रिसीव हुआ हो तो वो इस साल की इनकम तो नहीं है, तो वो किस साल की इनकम है, अगले साल की इनकम। ऐसा समझ लो अगर 18-19 की इनकम में से जैसे ये 7,000 पहले रिसीव हो चुका था, ठीक है, उसी तरह 18-19 की इनकम या सब्सक्रिप्शन अगर 17-18 में रिसीव हो चुका है तो वो तो यहां दिख रहा होगा, बट हे इनकम किस साल की है, 18-19 की, तो वो तो गलत हो रहा है। तो अगर मैं 18-19 की सब्सक्रिप्शन को एडवांस में 17-18 में रिसीव कर लेता हूं तो अगर ये आता है बैंक के अंदर जिसको मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट से क्रेडिट कर दिया तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, इसमें से फिर वो अमाउंट भी लेस करना पड़ेगा जो अगले साल के लिए इस साल रिसीव हुआ है। तो व्हाट आई विल डू टू एडवांस्ड सब्सक्रिप्शन, टू एडवांस्ड सब्सक्रिप्शन लेट्स से 5,000। तो दोस्तों ये मेरी सब्सक्रिप्शन अकाउंट की करीब करीब कंप्लीशन हो जाती है। अगर किसी मेंबर ने जो देना था, ठीक है, आउटस्टैंडिंग, अगर वो नहीं दे पाता या उसकी मौत हो जाती है या वो भाग जाता है तो उस केस में बैड डेट हो जाती है, जो आउटस्टैंडिंग रहती है मेरी, तो बैड डेट भी मेरे को दिखाना पड़ेगा। तो बाई बैड डेट, इसका मतलब क्या हुआ, बैड सब्सक्रिप्शन, हम सीधा इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर लेट से 1,000, इतने का बैड हुआ, आउटस्टैंडिंग में से नहीं मिलना आप मेरे को, ठीक है, इतने का बैड हुआ। तो मेरा टोटल इनकम कितना हुआ दोस्त, इनकम जैसे पीएनएल करते हैं ना, यहां पे हम, मैं आपको साथ ही साथ बताता जा रहा हूं, हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप सिंपल कैसे कैलकुलेट करोगे, ये क्रेडिट साइड में कितने हैं माइनस डेबिट साइड में कितना है, क्रेडिट साइड में 7, 1, 8, 8, 11, 19 प्लस 50 ऑल टुगेदर हुआ 69,000, जिसमें से लेस करो 8,061, लेस करो 5,656, तो ऑल टुगेदर मेरी जो एक्चुअली इस साल की इनकम होनी चाहिए तो वो है 56,000। अंडरस्टैंड, तो आपको एक बार में फिर से बता दूं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ये धमाल क्यों हुआ, क्योंकि इसने जो बैंक में पैसा आया वो सारा का सारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखा दिया, बट इसमें पिछले साल का भी पैसा आ रहा है, इसमें अगले साल का भी पैसा आ रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने पिछले साल का पैसा जो अभी आया वो और अगले साल का पैसा जो अभी आया वो, ये दोनों को मैंने हटा दिया इसमें से। प्लस अब जो बैंक में नहीं आया वो भी तो इनकम है, जैसे पिछले साल एडवांस पर रिसीव हो चुका था बट इनकम किस साल का है, इस साल का है, और इस साल की इनकम है बट अभी रिसीव नहीं हुई है, तो ये भी मैंने जोड़ना था जोड़ दिया। और आउटस्टैंडिंग में से अगर कुछ घटता है तो ये है बैड डेट जो मैंने 1,000 रुपए के हिसाब से लिखा। तो दिस इज ऑल अबाउट सब्सक्रिप्शन अकाउंट। पता टीचर लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मेट बना दिया, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग एडवांस, बाय बैंक, बाय डेट, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अच्छा ये फॉर्मेट, ऐसे ऐसे अमाउंट डालो, ऐसा निकालो।
ठीक है, और आपको सिर्फ ये समझना है एक क्रेडिट साइड में ये अमाउंट क्यों है, डेबिट साइड में ये अमाउंट क्यों है, और जो ये बैलेंसिंग फिगर है ये अमाउंट क्या है। ठीक है, ये समझने के बाद आपको सब क्वेश्चन समझ आ जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड एंड यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।